यूनिवर्स के बारे में हमारी सबसे अच्छी थ्योरी कि वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर कैसे काम करता है, यानी थ्योरी ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, ये भी प्रिडिक्ट करती है कि खाली स्पेस में इतनी एनर्जी है कि वो यूनिवर्स को पूरी तरह खत्म भी कर सकती है, पर करती नहीं। कुछ तो होगा जो उस खाली स्पेस को काबू में रखे हुए है। सवाल यह है कि वो है क्या। नील वाइनर न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में एक थियोरेटिकल फिजिसिस्ट हैं। वो जेनीवा के LHC और शिकागो के टेवेट्रॉन जैसे एटम स्मैशर्स में बने सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बौछारों को स्टडी करते हैं। अपने दोनों हाथों में एक एक पत्थर लीजिए और प्रोटॉन्स की तरह ऑपोजिट डायरेक्शन से लाकर एक दूसरे से टकराइए। इस टकराव से पैदा हुई एनर्जी से उनके टुकड़े हो जाएंगे, जो वैसे देखने पर उन पत्थरों यानी इंडिविजुअल प्रोटॉन्स का हिस्सा नहीं लगते। और मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि उन्हें उन पार्टिकल्स को टकराने पर क्या मिला। पर उन सब एटॉमिक एक्सप्लोजन्स के बाद हर तरफ उड़ते शार्पनेल को समझने के लिए नील को यूनिवर्स के बारे में एक अलग नजरिया अपनाना होगा। उन्हें मानना होगा कि ठोस मैटर के सबसे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स बिल्कुल भी ठोस नहीं है। क्वांटम की दुनिया में जब भी कोई पार्टिकल्स बनते हैं, तब वो पार्टिकल्स के बजाय एक लहर जैसे दिखाई देते हैं। जिस तरह फवारों में गिरता पानी नीचे पहुंचकर लहरों की शक्ल में बदल जाता है, उसी तरह क्वांटम मैकेनिक्स में हर बनता हुआ पार्टिकल एक सेंट्रल पॉइंट से चारों ओर फैलती लहर सी पैदा करता है, बजाय इसके कि वो एक खास दिशा में जाए। एक तालाब की सतह पर उठती तरंगों की तरह पार्टिकल से पैदा हुई लहरें भी पूरे स्पेस में फैल जाती हैं। इसका मतलब बहुत ही सीधा है, और वो ये है कि यूनिवर्स में हर जगह पर पार्टिकल वेव्स की कई लाख करोड़ों तरंगे मौजूद रहती हैं। कहीं भी खाली स्पेस जैसी कोई चीज नहीं है, और तरंगों से भरे इस विशाल स्पेस के भीतर जमा एनर्जी ही हमारे यूनिवर्स को फैला रही है। यूनिवर्स के फैलाव पर नजर डालते ही कई गैलेक्सीज और गैलेक्सी क्लस्टर्स दिखाई देते हैं, जो लगातार फैल रहे हैं जैसे एक दूसरे से दूर जा रहे हों। इससे साफ हो जाता है कि यूनिवर्स धीमा नहीं पड़ रहा, बल्कि उसके फैलाव की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। और इसे एक्सप्लेन करने का सिर्फ एक तरीका है कि शायद यूनिवर्स में एनर्जी डेंसिटी जैसी कोई चीज है जो कि स्पेस में फैलती रहती है। अगर यह सही है तो इससे यूनिवर्स के फैलने की रफ्तार तो बढ़ेगी ही। फिजिसिस्ट्स इसे डार्क एनर्जी कहते हैं। वो यूनिवर्स के फैलाव की दर से माप सकते हैं कि खाली स्पेस में कुल कितनी डार्क एनर्जी है। पर जब वो उसकी तुलना इस बात से करते हैं कि यूनिवर्स में मौजूद सभी पार्टिकल वेव से खाली स्पेस को कितनी एनर्जी मिलनी चाहिए, तो वो उन दोनों का फर्क बहुत ज्यादा होता है। जब आप ये कैलकुलेट करते हैं कि यूनिवर्स के कुल खाली स्पेस में क्वांटम इफेक्ट से कितनी एनर्जी पैदा होनी चाहिए, तो आपको ऐसे आंकड़े मिलते हैं जो यूनिवर्स के फैलाव और उसकी बढ़ती हुई रफ्तार से मिले आंकड़ों से 10 से 120 गुना ज्यादा हैं। और ये एक बहुत ही बड़ा फर्क है। अब जरा अंदाजा लगाइए कि अगर एक के बाद 120 जीरो लगा दें, तो वो नंबर कितना बड़ा होगा। एक के बाद 120 जीरो, ये एक इतना बड़ा नंबर है जो आपकी पूरी जिंदगी में आपके सामने नहीं आया होगा। ये एक फवारे या महासागर में मौजूद पानी की कुल बूंदों और यूनिवर्स में मौजूद कुल एटम से भी ज्यादा है। इतना ज्यादा कि कोई सोच भी नहीं सकता। उनके कैलकुलेशंस के हिसाब से स्पेस में इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि वो पूरे यूनिवर्स को भाप बनाकर उड़ा दे। पर हम अभी तक जिंदा हैं। नील और उनके कई कॉलीग्स का ख्याल है कि शायद वो थ्योरी और ऑब्जर्वेशंस में इतना ज्यादा फर्क होने की वजह जानते हैं। उनके मुताबिक हो सकता है पार्टिकल्स की ज्यादातर लहरें एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती हूँ। लहरों के कैंसिलेशन को समझना काफी आसान है। अब एक लहर लीजिए जिसमें कई सारे उतार चढ़ाव हों, फिर वैसी ही एक दूसरी लहर लीजिए और उनके उतार चढ़ाव एक ही जगह पर लाइए। जहां उनके चढ़ाव आपस में मिलेंगे वहां वो ऐड हो जाएंगे, और जहां उतार आपस में मिलेंगे वहां वो ऐड तो होंगे पर नेगेटिव तरीके से। पर अगर एक चढ़ाव और एक उतार आपस में मिले तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और आपको कुछ नहीं मिलेगा। और एक दूसरे को कैंसिल करने का यही फिनोमेना पार्टिकल्स पर भी लागू होता है।
नील का ख्याल है कि यूनिवर्स में ऐसे पार्टिकल्स का एक और पूरा सेट मौजूद है जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते, जो ऐसी लहरें बनाता रहता है जो हमारी जानकारी के पार्टिकल्स को कैंसिल करती रहती है। इस आइडिया को सुपर सिमेट्री कहते हैं। हर पार्टिकल की मिरर इमेज वाला एक पार्टनर भी है। अगर हमारे यूनिवर्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हो सकता है कि सिलेक्ट्रॉन्स भी हों। अगर क्वर्क्स हैं तो स्वर्क्स भी होने चाहिए। और नील का सुपर सिमेट्रिक पार्टनर शायद स्नील होगा। अगर आप न्यूयॉर्क में हैं तो या तो आप एक वकील होंगे या फाइनेंस में होंगे या एक्टर होंगे, और मैं एक्ट नहीं कर सकता। पर स्नील या किसी दूसरी सुपर सिमेट्रिक पार्टिकल वेव को ढूंढना एक बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग काम है। मैंने सुपर सिमेट्री को डायरेक्टली, इनडायरेक्टली और दूसरे कई तरीकों से ढूंढने की कोशिश की है, पर अभी तक कामयाब नहीं हो सका। अब या तो मैं उसे जल्दी से ढूंढ लूं या कई लोग कहने लगेंगे कि वो है ही नहीं। LHC को अभी तक सुपर सिमेट्रिक पार्टिकल्स के कोई निशान नहीं मिले। अगर उनका वजूद नहीं है तो वैज्ञानिकों के लिए ये समझाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा कि खाली स्पेस में मौजूद एनर्जी ने अभी तक हमारे यूनिवर्स के चीथड़े क्यों नहीं उड़ाए। पर कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि खाली स्पेस यानी नथिंग को एक दिन एक जबरदस्त उथल पुथल के साथ फटना ही फटना है। और एक वैज्ञानिक ने तो ये भी अंदाजा लगा लिया है कि ये कब हो सकता है। खाली स्पेस ने नथिंगनेस के एक विशाल सागर की तरह हमारे कॉस्मोस को भर रखा है, पर यूनिवर्स की यह शांति शायद ज्यादा समय तक नहीं रहेगी। जैसा कि एक वैज्ञानिक का अंदाजा है, खतरे की घंटी बज चुकी है। मैक्स टेगमार्क MIT के एक कॉस्मोलॉजिस्ट है। उनका यह रिलैक्स चार्म बस दिखाने को है, वैसे वो बेहद परेशान है। उनके दिमाग में सिर्फ एक बात घूमती रहती है कि खाली स्पेस का भविष्य क्या होगा। स्पेस खुद एक बहुत ही स्टेबल और परमानेंट चीज है, ठीक इन गोल्फ बॉल्स की तरह। मैं इन्हें काफी देर से हिट कर रहा हूं, पर इनका आकार वैसा का वैसा ही रहता है। मगर मुझे इस बात का यकीन कैसे हो कि ये पूरी तरह स्टेबल है। जिस तरह ये गोल्फ बॉल धूल का एक बादल सा बन गई है, क्या किसी न किसी तरह स्पेस भी किसी और चीज में बदल जाएगा? स्पेस का तेजी से डिके होकर एक अलग रूप ले लेना वैसे तो नामुमकिन सी बात लगती है, पर इसमें नया कुछ भी नहीं है। 1370 करोड़ साल पहले यूनिवर्स ने अपनी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज बदल दी थी, जिससे टेम्परेचर बहुत नीचे गिर गया था। फिजिसिस्ट्स उसे बिग बैंग कहते हैं। लेकिन मैक्स के मुताबिक उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर थी। फर्ज कीजिए मैं एक मछली हूं और मैंने पूरी जिंदगी समुद्र में बिताई है, और मैं पानी को ही खाली स्पेस समझता हूं क्योंकि यही मेरी दुनिया है। तभी मुझे एक दिन लगता है कि ये खालीपन दरअसल एक सब्सटेंस है। तब मैं जानना चाहता हूं कि क्या ये पानी लिक्विड के अलावा किसी और फॉर्म में भी हो सकता है। फिर पता चलता है कि ये ठोस बर्फ भी बन सकता है और भाप भी। तब मुझे फिक्र होने लगती है कि अगर ये पानी जम गया तो मैं जिंदा नहीं बचूंगा। इसी तरह हमें स्पेस को देखकर लगता है कि एक दिन ये भी जम सकता है, जिसकी वजह से हम सब जम कर मर सकते हैं। मैक्स का ख्याल है कि बिग बैंग आखिरी कॉस्मिक फ्रीज नहीं था जिसे हमारा यूनिवर्स एक्सपीरियंस करेगा, और इसका सबूत दिमाग को हिला देने वाले साइंस ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स में मिलता है, जिसके मुताबिक ना तो कोई चीज स्थिर है और ना ही हमेशा रहने वाली है। क्वांटम मैकेनिक्स के मुताबिक कोई भी पार्टिकल कहीं भी पूरी तरह स्टिल नहीं रह सकता। और यही नहीं, क्वांटम मैकेनिक्स का ताल्लुक सिर्फ एटम्स जैसी छोटी चीजों से ही नहीं, बल्कि एटम्स से बनी इस गोल्फ बॉल जैसी चीजों से भी है, जिसका मतलब है कि कोई भी चीज पूरी तरह स्टेबल नहीं है। अगर मैं काफी देर तक यहाँ खड़ा रहूं तो चीजों की ये क्वांटम जिगलिंग फाइनली इस गोल्फ बॉल को थोड़ा ऊपर उठाएगी और फिर नीचे गिराकर लोअर एनर्जी स्टेट में ले जाएगी।
एक टी पर अकेली पड़ी इस गोल्फ बॉल के लिए ये पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि ये अपने आप आसमान में जाए और फिर वापस जमीन पर गिर पड़े जहां इसकी एनर्जी कम हो। कोई भी चीज जब आसमान में उछाली जाती है तो एनर्जी कम होते ही वो जमीन पर कहीं भी आकर गिर सकती है, यहां तक कि टिन कप के भीतर भी। एक ही बार में एक परफेक्ट होल, वो भी बिना स्विंग किए हुए। पर ये फिनोमिनन यूनिवर्स के लिए घातक भी हो सकता है। हम फिजिसिस्ट्स ने इस बात के पक्के सबूत निकाले हैं कि स्पेस में एनर्जी की कई स्टेजेस होती हैं, निचली, बीच की और सबसे ऊपर की। हमारे पास ये मानने की भी ठोस वजह है कि यूनिवर्स की शुरुआत में हमारा स्पेस एनर्जी की काफी हाई स्टेज में था, जिसमें जो पार्टिकल्स रह सकते थे वो आज से अलग थे। वो शुरुआती यूनिवर्स जिसने हमें बिग बैंग दिया वो बहुत ही अनस्टेबल था और बहुत जल्द डीके होकर एनर्जी की उस लोअर स्टेज में पहुंच गया जिसमें आज हम रहते हैं, जिसका स्पेस बहुत ही शांत, सुकून से भरा और वाकई रहने लायक है, और जिसमें वो पार्टिकल्स हैं जिनसे हम बने हैं। पर हमने ये भी मापा है कि एनर्जी की एक इससे भी लोअर स्टेज होनी चाहिए, क्योंकि जिस खाली स्पेस को हम जानते हैं वो दरअसल खाली नहीं है, उसमें मास है, इसलिए वो डीके होकर एनर्जी की एक इससे भी लोअर स्टेज में जा सकती है, जहां हमारी तरह के पार्टिकल्स का बने रहना संभव नहीं होगा। और क्योंकि मैं उसी तरह के पार्टिकल से बना हूं इसलिए परेशान भी हूं। जब अचानक खाली स्पेस की एनर्जी का डीके होगा तब डिस्ट्रक्टिव नथिंगनेस का एक जबरदस्त विस्फोट लाइट की स्पीड से पूरे यूनिवर्स में फैल जाएगा और हम बिना उसे देखे खत्म हो जाएंगे।